मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, मैल न्यूट्रिशन, ये अपन ने कर दिया। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द फूड सोर्सेज और फूड कंपोनेंट्स। So these are main three types of food components in our syllabus. These are first energy giving food, second one bodybuilding food, and last one is protective food. First, energy giving food consists of carbohydrates and fats. Energy giving foods are carbohydrates and fats. Bodybuilding food are only proteins, and third one is protective food, vitamins and minerals. Protective, it means they are protect our body from the various diseases. These are required in our body by the small amount. बहुत कुछ छोटी amount में ये ज़रूरत होती है हमें। तो देखिए, first जो है energy giving food, वो अपन को पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सच एज ग्रेन्स सच एज वीट, राइस, मेज एटसेट्रा, एक्सेप्ट ऑल पीज, बीन्स, शुगर कैन एंड सम फ्रूट्स इन बनाना और मैंगो एटसेट्रा। So these are sources of carbohydrates, grains such as wheat, maize, rice, peas, beans, sugar cane. Some fruits are like banana and mangoes. These are the sources of carbohydrates. In carbohydrates, we simply call the sugars. अगर इनको सिंपल में अपन बोले कार्बोहाइड्रेट, और मैं ज़्यादा सिंपलीफाई करूँ तो ये होते हैं sugars. ठीक है, शुगर्स भी कौन से, जो कि स्टार्चेस के फॉर्म में होते हैं, सेल्युलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एटसेट्रा। इस कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के। एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से अपन को मिलती है। सोर्सेस हो गए इनके ग्रेन्स हैं, और अगर अपन कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होते हैं शुगर्स। ठीक है, ज़्यादा और अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तब इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर तो खाली सिंप्लीफाई करके इसको पढ़ना है, वो है शुगर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। सोर्सेज हो गए ये जो है इनके, जैसे मान लीजिए फॉर्म जो है इनकी वो है स्टार्च, सेल्युलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, इसके बाद जो है वो आती है एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट का जो है इसके अंदर दे रखा है टेस्ट, तो इट इज एन एक्टिविटी फॉर यू स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी भी है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो अपन पढ़ते हैं अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो टेस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट की, वो अपन को पढ़ना है। कैसे कार्बोहाइड्रेट का अपन टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये सोर्सेज जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट है और वेदर इज एब्सेंट। तो देखिए, अपन ने बात करी कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, दीज आर फॉर्म्स इन शुगर और स्टार्च, है ना। तो स्टार्च का क्या होता है, कैरेक्टर होता है कि अगर स्टार्च में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, देन इट टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर। तो स्टार्चेस जो होते हैं सारे, स्टार्चेस क्या किसकी फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर अपन किसी भी प्रोडक्ट में, मटेरियल में जिसमें स्टार्च कंसिस्ट है ना, उसमें क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आयोडीन सॉल्यूशन अगर उसमें अपन पुट करते हैं तो इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न्स हो जाते हैं। इट मींस दे कंसिस्ट ऑफ स्टार्च शुगर्स और दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके,
तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए टेक ए पोटैटो, पोटैटो किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का, तो टेक ए पोटैटो और कट इट, और उसको क्या करना है, कट करना है, ठीक है, पोटैटो लिया उसको पील करा या कट करा, देन पुट इनटू द 2 or 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या करना है, देखिए आलू लेना है पोटैटो, उसको पील करना है या तो या उसको क्रश करके उसको क्या करना है, कट करना है उसके अंदर, ठीक है, पुट इट 2 or 3 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें 2-3 drop जो है आयोडीन सॉल्यूशन डालनी है, तो क्या होता है, इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर, तो इसमें टर्न जाता है ब्लू और ब्लैक कलर में, तो इट मींस दे हैव कंसिस्ट ऑफ स्टार्चेस, इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च है, क्योंकि स्टार्चेस क्या होते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन जब डालते हैं हम पे तब वो ब्लू और ब्लैक कलर में टर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया टेस्ट, ये आपके लिए एक्टिविटी भी है स्टूडेंट्स, तो आपको ये एक्टिविटी भी करके देखनी है। चलिए ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हो गए, कहाँ ये मिलता है, कहाँ से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, इसका टेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो है एनर्जी गिविंग फूड में नेक्स्ट जो है वो आता है फैट्स, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी मोर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो होते हैं उनसे अपन को एनर्जी मिलती है, लेकिन वो ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और आइदर द एनिमल्स, प्लांट से भी हमको फैट्स मिलती है और अपन को जो एनिमल सोर्सेज है वो भी फैट्स के सोर्सेज होते हैं। देखिए जैसे प्लांट जो है, प्लांट क्या करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट है ना, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, इनको क्रश करके, सीड्स को क्रश करके अपन क्या निकालते हैं, इनसे फैट्स, फैट्स एक्चुअली होते क्या है, जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं ना, बेसिकली क्या जिसमें ऑयली होता है कुछ भी, तो वो क्या है, ग्रीसी या ऑयली, तो दे आर कंसिस्ट ऑफ फैट्स, तो उनमें फैट्स होती है। तो प्लांट सोर्सेस क्या हो गए फैट्स के, ग्राउंड नट है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सारे सोर्सेस किसके हो गए, फैट्स के, जो फोम दे रहा है, फोम किसकी है, फैट्स की, लेकिन सोर्सेस क्या है, प्लांट्स। फिर एनिमल सोर्स की अगर बात करते हैं जिनमें फैट्स कंसिस्ट होती है, वो होते हैं बटर और घी, है ना, इनमें भी क्या होती है, फैट्स, देखिए तो इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ठीक है, पर कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसके कंपैरिजन में ये मोर देन एनर्जी अपन को क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। इट हेल्प्स अस इन ऑर्गन्स टू ग्रो, ये फैट्स क्या करती है, बॉडी ऑर्गन होती है उनको ग्रो कराने में हेल्प करती है, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इंजरी ऑफ द ऑर्गन्स, और ये प्रोटेक्ट करती है कोई भी ऑर्गन्स होते हैं उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर जो कवर होता है बॉडी सरफेस होती है वहां पर क्या होता है, हीट लॉस, तो इट प्रिवेंट्स हीट लॉस ऑफ द बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस है उस पर हमेशा क्या होता रहता है, हीट लॉस, तो ये फैट डिकम्पोज हो जाएगी, सॉरी डिपोजिट हो जाएगी वहां पर, फैट की सराउंडिंग बन जाएगी, है ना, आउटर सरफेस पे, तो जो हीट लॉस होता है वो भी क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए जो फैट होती है वो बॉडी सरफेस पे क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाती है, तो एक कवरिंग बना लेती है, तो कवरिंग बना लेती है, तो ज्यादा डिपोजिशन ऑफ फैट्स में क्या होता है, हार्मफुल, है ना, ज्यादा फैट अगर डिपोजिट हो जाती है सराउंडिंग में बॉडी पे एनिमल के, तो वो भी क्या है, हार्मफुल होती है, इट्स लीड्स टू ओबेसिटी, अगर बहुत ज्यादा फैट किसी को है तो वो क्या है, ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा, क्या हो जाता है, आदमी मोटा हो जाता है, तो इट लीड्स टू द ओबेसिटी, इट इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ, बिकॉज एक्स्ट्रा या ओवर डिपोजिशन ऑफ फैट्स लीड्स टू द ओबेसिटी। इसका भी फैट का भी जो है वो अपन को क्या करना है, टेस्ट, है ना, फैट क्या होते हैं, हमने बताया कि जो बेसिकली जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं वो फैट्स होते हैं, ठीक है, तो फैट्स के लिए अपन को जैसे क्या करना है, ये भी एक्टिविटी है आपके लिए कि फैट्स का भी क्या करना है, अपन को टेस्ट करना है कि किन जो फूड रिसोर्सेज हैं उनमें फैट्स होती है, तो आपको क्या करना है, टेक अ पेपर और टेक अ सम फूड आइटम, देन पुट इट एंड क्रश्ड इट, उसको लेना है पेपर पे और उसको क्रश करना है,
ठीक है। तो क्रश करेंगे तो जो भी ऑयली सब्सटेंस है उस पेपर पे आ जाएगा, देन इट पुट इनटू द अगेंस्ट द लाइट, और फिर उसको क्या करना है कि लाइट के अगेंस्ट इसको रखना है, तो आपको ऑयली ऑयली जो सब्सटेंसेस है वो आपको शो होता है दैट इट कंसिस्ट ऑफ फैट्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे, देखिए प्रोटेक्टिव फूड पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है।